हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमएसके इंजीनियर सर। तो आज का हमारा पर्पस है आपको एक्सप्लेन करने का कि कैसा प्रेशर टेस्टिंग करते हैं और वैक्यूम करना और उसके बाद गैस चार्ज करना। तो आपको स्टार्ट करते हैं। प्रेशर टेस्टिंग तो हमारा हो गया, तो उस पर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, हम उस पर एक वीडियो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कभी कि कैसा प्रेशर टेस्टिंग करते हैं, नाइट्रोजन चार्ज कैसा करते हैं और फिर उसको रेक्टिफाई कैसा करते हैं। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी हमारा ये वैक्यूम में चल रहा है, जैसा आप ये देख सकते हैं, ये हमारा वैक्यूम में है और वैक्यूम पंप उधर लगा के रखा है। तो हमारा वैक्यूम कहाँ से, ये एक लिक्विड लाइन से दिया है जो कूलर में इन हो रहा है, जो डिस्चार्ज से अपना लिक्विड लाइन कन्वर्ट होके डिस्चार्ज लाइन जो कंडेंसर से होते हुए लिक्विड लाइन और फिल्टर फिर सोलेनोइड फिर उधर से एक्सपेंशन। यहाँ पर एक पोर्ट दिया है, हम यहाँ से लो साइड को कर रहे हैं और ये सक्शन लाइन में भी पोर्ट रहता है, ये कूलर के बाद वहाँ से भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, बट हम यहाँ से कर रहे हैं। और ये हमारा एक कॉमन लाइन है, इक्वल है, ये हमारा कंप्रेसर और ये इसके बीच में कोई वॉल नहीं है, कंप्रेसर और कूलर के बीच में। तो हम चाहे वहाँ सक्शन लाइन से करेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं दूसरे कूलर में ये सक्शन पोर्ट दिया रहता है, हम चाहे यहाँ से करें और चाहे हम ये लिक्विड लाइन में करें। अब यहाँ इसलिए लगाया हमें, दोनों करीब में पोर्ट मिल गया इसलिए, तो हम कूलर को यहाँ से कर लेंगे और कंडेंसर का जो लिक्विड लाइन है, कंडेंसर से डायरेक्ट लिक्विड लाइन आया है कि यहाँ पे एक यहाँ कर दे रहे, और हमें इसके नीचे एक वाल है वो हमने बंद कर रखा था, तो हम उसको खोल लेंगे ताकि हमारा जो ड्रायर है वो भी इसमें वैक्यूम हो जाए प्रॉपर ड्रायर से। और फिर जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो हम मैनुअली इसको जाके एनर्जाइज करेंगे सोलेनोइड को, ताकि इसके बीच का जो एक्सपेंशन वाल से इसके बीच का भी है जो पार्ट है वो भी वैक्यूम हो जाए। वो थोड़ी देर का काम है, मतलब 2-5 मिनट बस, बाकी तो ये हो जाएगा। तो हमने वैक्यूम अभी लगा दिया है, प्रेशर टेस्टिंग हम कर चुके हैं, हमारे इसमें गैस नहीं था, लीक हो गया था। तो अगर हाई साइड पे लीक हो गया तो हमें ईजिली दिख जाता है किधर ऑयल, ट्रेस कर लेते हैं, कहीं ऑयल दिख जाता है स्पॉट, ऑयल स्पॉट करके कंडेंसर में, तो मालूम पड़ जाता है कि कंडेंसर लीक है। तो अंदर से, अंदर के कॉइल में और बाहर के कॉइल में पूरा प्रॉपर चेक किया तो इसमें कोई ऑयल नहीं था। तो फिर नाइट्रोजन प्रेशर डाला, नाइट्रोजन प्रेशर डाल के होल्ड किया, तो नाइट्रोजन प्रेशर डालने का प्रेशर टेस्टिंग का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कभी टाइम मिला तो उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो नाइट्रोजन कितना प्रेशर किस में कैसा डालना है और कैसा प्रेशर टेस्टिंग करना है। तो हमने नाइट्रोजन डाल के अपना प्रेशर टेस्टिंग करके और इसका लीक वगैरह जितने जॉइंट है, पोर्ट है, सब पे चेक किया, तो फाइनली फाइंड आउट हुआ कि हमारा लीक जो है 80% श्योर हो गया था कि हाई साइड पे नहीं है, अगर होता तो ऑयल दिख जाता, तो इसलिए लो साइड पे ज़्यादा फोकस किया और लो साइड पे हमको हैवी लीक मिला। जैसे कि आपको ये दिखा सकते हैं, आप ये देखें, ये क्रैक है, आप ये देखें, ये क्रैक हो गया है यहाँ पे, ये क्रैक है, यहाँ से हैवी लीक था और इसलिए ऑयल नहीं आया, क्योंकि ये हमारा सक्शन गेज था, सक्शन गेज है, इसलिए इधर वेपर रहेगा, कंप्लीट वेपर रहेगा, इसलिए वो वेपर निकल गया और क्रैक हुआ, इसलिए हैवी लीक था, इसलिए जल्दी फास्ट फास्ट गैस निकल गया। तो हम आके देखे तो हमें 5-10 PSI मिला रूटीन के टाइम में, तो उस कंडीशन में ये हमको मिल गया लीक नाइट्रोजन डालने पे। तो हम इसको रेक्टिफाई करके नाइट्रोजन होल्ड भी किए, 2-3 दिन छोड़ दिए उसको, तो उस पर मालूम पड़ गया कि हाँ अभी हमारा कोई अदर लीक नहीं है, यही था जो था। तो उसका प्रोसीजर है बहुत अच्छा, वो हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारा था नाइट्रोजन टेस्टिंग के बाद हमें ये मिल गया, हमारा लीक रेक्टिफाई करके उसको क्लोज़ कर दिया, उसको अब रिप्लेस कर देंगे बाद में। तो हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने अपना वैक्यूम लगा दिया, वैक्यूम स्टार्ट कर दिया। अब ये वैक्यूम स्टार्ट किया है, ये कंप्लीट हमारा वैक्यूम हो जाएगा। एक तो माइक्रोन गेज आता है, तो उस माइक्रोन गेज से हम इसको चेक करेंगे, हमारा +500 माइक्रोन या 400 समथिंग आ जाता है तो हम इसको डन कर देते हैं, लेकिन माइक्रोन गेज नहीं रहता मैक्सिमम। तो हमको क्या करना है, हमें गेज लगा के इसमें INHG करके रहता है, INHG, जैसे आप ये देख सकते हैं गेज में INHG, अब ये देखें यहाँ पे लिखा था INHG और ये माइनस में आ गया, जीरो के नीचे आ गया, तो ये एक रहता है। दूसरा बात, ये तो हम जब लगाते हैं तो बहुत जल्दी आ जाता है कभी कभी तुरंत खींच के, लेकिन हम इसमें ट्रस्ट ना करके डिस्प्ले में हमारा ट्रांसड्यूसर भी बताता है, जैसा आप दिखाएं। अभी मैं पूरा दिन इसको लगा के छोड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये है, ये हमारा -99 हो गया, मतलब हमारा जो लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है वो ओपन हो गया। क्यों,
क्योंकि वैक्यूम में चला गया तो वो 99 ही दिखाएगा, बट हमारा हाई प्रेशर है वो -10 दिखा रहा है, -17, -16 ऐसा जाता है। तो ये एक वो है, प्रैक्टिकली हम लोग करते तो अंदाज़ा रहता है। तो माइक्रोन गेज अगर नहीं लगा रहे हैं तो हम एक तो ये करते हैं कि इसको हम लगा के छोड़ देते हैं 24 आवर, अगर टाइम है, वैसे 12 आवर में भी हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और कर सकते हैं तो आप मॉर्निंग में लगाएं और दूसरे दिन मॉर्निंग में आके आप उसको ब्रेक कर दें, क्रैक करें फ्रियोन से, और अगर पॉसिबल है तो 12 घंटे के बाद आप क्रैक करें फ्रियोन से, उसके बाद वापस से फिर लगा दें, और फिर उसके 12 घंटे बाद कंप्लीट वैक्यूम हो जाएगा और आप गैस चार्ज करें। तो हमारे अभी ये कंटिन्यू वैक्यूम चलेगा फुल नाइट, और हम दूसरे दिन आगे इसको देखेंगे, अगर हमारा वैक्यूम ओके है, क्लियर है, क्योंकि हमारा वैक्यूम पूरा दिन चला है तो हमने इसको क्रैक कर दिया था गैस से, वापस से इसको लगाया है, तो अभी ये लगे हुए भी है, दो घंटा हो गया, अभी ये कंप्लीट वैक्यूम होगा फुल नाइट, और मॉर्निंग में आके देखेंगे वैक्यूम क्लियर है तो फिर हम इसमें गैस चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, उसका भी एक्सप्लेन कर देंगे। सपोज़ वाटर लीकिंग हुआ था कभी, या कभी कूलर लीक हुआ, तो उस कंडीशन में तो हमको कई बार नाइट्रोजन डाल के और क्रैक करना पड़ेगा और वैक्यूम करना पड़ेगा, फिर नाइट्रोजन डाल के फ्रेश करना पड़ेगा, इस कंडीशन में बहुत प्रोसीजर है उसका। बट अभी इसमें कोई मॉइस्चर तो था नहीं, खाली लीक हुआ था और हमारा पॉजिटिव प्रेशर था अंदर, तो इसलिए इसको हम 4-6 घंटा भी करेंगे, 10 घंटा भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा अंदर पॉजिटिव प्रेशर था। तो हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वैक्यूम होता है। अभी हम कुछ एक्सप्लेन कर दें और हमारे जो व्यूवर है उनको क्या लगेगा, हमारे फ्रेंड्स को, कि भाई ऐसा बोला था, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, उनको उनके यहाँ सिचुएशन कुछ और हो, तो इसलिए हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम रहता है वैक्यूम करने का। बेटर यही है कि आप माइक्रोन गेज से चेक करें, और यह हमारा वैक्यूम चल रहा है कंटिन्यू। अब हम गैस चार्ज करेंगे, जब कल दूसरे दिन आके जब गैस चार्ज करेंगे तो कैसा करेंगे, कहाँ से कि कितना करना है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, तो बने रहे वीडियो में। सो जैसा कि हमारा ये वैक्यूम हो गया है कंप्लीट, और हम जो है अभी ये गैस चार्ज करने वाले हैं, जैसा आप ये देख सकते हैं अभी हमारा वैक्यूम हो गया है, हमने कल लगाया था फुल नाइट, ये वैक्यूम चला है, वैक्यूम कंप्लीट हो गया है, गैस हम डालने वाले हैं। ये 50 kg का सिलेंडर है और इस पर देख लेना है कि 134 है कि नहीं, टैग वगैरह देख के तो डालना, क्योंकि इससे थोड़ा डार्क कलर का जो सिलेंडर होता है वो 22 का होता है, तो कन्फ्यूजन ना हो, और एज पर डिज़ाइन के हिसाब से हम गैस डालेंगे, 132 LPS इसमें गैस पड़ेगा, तो उसका कैलकुलेशन मार के कितना kg होता है उस हिसाब से हम इस पर डालेंगे, तो अराउंड 55 to 60 kg के अंदर गैस जाएगा इसमें। तो अब हम चार्ज करने वाले हैं, गैस चार्ज करने वाले हैं, आपको इसका प्रोसीजर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा वैक्यूम अभी भी चल रहा है, अब हम इसको बंद करेंगे, वैक्यूम पम्प ये लगा हुआ है और हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है, तो अब हम इसको बंद करेंगे, बंद करके अब यहाँ से बंद करेंगे, वैक्यूम पम्प बंद करेंगे, और ये फिर ये लाइन को निकाल के सिलेंडर में लगाएंगे और पर्च करेंगे, पर्च करने के बाद फिर वापस से हम ढकेलेंगे, तो सबसे ज़्यादा हम लिक्विड डालेंगे सिलेंडर को उल्टा करके, तो मैं आपको प्रोसीजर दिखाता हूँ, बने रहे वीडियो में। सो जैसा कि देख सकते हैं अभी हमने ये निकाल दिया, वैक्यूम पम्प को बंद कर दिया है, और ये दो लाइन लगा रहेगा, जो हमारा एक लो साइड पे है और एक हाई साइड पे है, लिक्विड लाइन में जो कंडेंसर से होके आया वहाँ पे वाल से पहले लगेगा, सोलेनोइड से पहले, वो डायरेक्ट हाई साइड ही है कंडेंसर से टच में, और ये लो साइड पे, ये दोनों वैसे रहेगा, दोनों वाल बंद करेंगे पहला दोनों का, दोनों साइड, ताकि हमारा वैक्यूम ब्रेक ना हो, और फिर उसके बाद हम ये वैक्यूम पम्प बंद करके चार्जिंग लाइन निकाली। अब चार्जिंग लाइन हमने बड़ी डाला है, वो छोटी वाली हमने निकाल लिया क्योंकि सिलेंडर बड़ा है, अब हम इसको पलटेंगे तो वो खींचेगा, इसलिए हमने बड़ा डाल लिया। अब हम इस सिलेंडर को उल्टा करेंगे और चालू करेंगे यहाँ से, देखो चालू करके हम इसको यहाँ ऐसा थोड़ा खोल के रखेंगे, ये यहाँ पर्च हो गया, और फिर हम इसको टाइट कर देंगे, हम इसको कस के टाइट करेंगे, अब इसको हम पलट देंगे सिलेंडर को, उल्टा कर देंगे, और इसको मैक्सिमम ध्यान रखें धूप में रखें। तो अब हम इसको ये खोल दिए, लेकिन वहाँ से हमारा वाल क्लोज है, ये हम यहाँ से खोल दिए, सब कुछ रेडी है, पर्च भी हो गया, और वहाँ से हम जब चार्ज करेंगे, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सिलेंडर हमने उल्टा किया, ऑलरेडी 50 kg है, इस पर डिज़ाइन के हिसाब से डालने वाले हैं, तो हम सबसे पहले हाई साइड पे गैस डालेंगे जितना जा सकता है उतना, तो हम ये हाई साइड का पहले वाल खोल देंगे, फुल खोलो। तो फुल खोल देंगे, जितना जा सकेगा, जितना खींच पाएगा खींचेगा,
फिर जब ये उतना हो जाएगा तो फिर हम लो साइड पे लिक्विड लाइन से देंगे कूलर से पहले, ताकि जो लिक्विड जाएगा कूलर में जाएगा और कूलर में वो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उधर वाटर सर्कुलेशन कंटिन्यू है, चिलर चल रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा लिक्विड डायरेक्ट कंप्रेसर में नहीं जाएगा। तो उतना डालेंगे जितना हमें स्टैंडिंग प्रेशर सक्शन का मिल जाए, ताकि ट्रिप ना मारे, हमारा चिलर ट्रिप ना हो, और हाई साइड पे मैक्सिमम डालेंगे। तो अभी हम वेट करेंगे, जितना जा सकता हाई साइड पे डालते, लो साइड पे थोड़ा रुक के डालेंगे। बने रहे वीडियो में, जैसा जैसा जाता है कंप्लीट होता है फिर हम बताते हैं, हमारा सिलेंडर फुल है। सो जैसा कि देखें हमारा गैस ऑलमोस्ट ले लिया है, तो उसका हम आपको प्रेशर दिखाते हैं। हमारा ये प्रेशर ऑलमोस्ट आ गया है, डिस्चार्ज प्रेशर भी आ गया है, सक्शन प्रेशर भी, और ये धूप की वजह से क्लियर दिख नहीं रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है गैस चार्जिंग, और हम आपको दिखा रहे हैं इधर सिलेंडर में भी ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा रह गया है, और ये हमारा ये प्रेशर यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट आ गया, और गैस ले लिया है, सिलेंडर में भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सिलेंडर भी खाली हो गया। तो यही प्रोसीजर था, अब गैस हम यहाँ से डाल दिए, अब हमको रनिंग करना है, इसको रन करके अब जो रिक्वायरमेंट जो रिमेनिंग है उसको टॉप अप करना है, तो उसके लिए हमें ये लिक्विड लाइन जो है कूलर से पहले यहाँ से करना है। तो यहाँ से रनिंग जब चिलर रन रहेगा उस कंडीशन में हमें यहाँ से लगा के और लिक्विड डालना है लिक्विड लाइन से। लिक्विड में रन स्टार्ट करने में तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस हमें प्रोसीजर, हमारा पर्पज़ था आपको एक्सप्लेन करने का कि गैस ऐसा टॉप अप करते हैं और वैक्यूम का। तो आई होप आपको समझ में आया हो, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।